नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मई महीने की शुरुआत से ही चीन लाइन ऑफ कंट्रोल पर यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में उसके सैनिकों ने भारतीय जमीन पर जमकर आक्रमणता दिखाई है। उसके अलावा चीन ने अपने 5,000 सैनिकों को भारत से सटे बॉर्डर पर भी भेज दिया है। हालांकि भारत भी चीन का डटकर मुकाबला कर रहा है। भारत ने चीन को यह साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। भारत के कड़े रुख को देखते हुए चीन की भाषा अब बदल लगी है। चीन की मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का युद्ध लड़ने का कोई विचार नहीं है और वह भारतीय मीडिया ही है जो मामले को बड़ा चढ़ाकर दिखा रही है। दरअसल भारतीय मीडिया ने भारत तिब्बत सीमा पर बढ़ रहे विवाद को चीन द्वारा भारत से अपने नागरिकों को निकाले जाने की खबर से जोड़कर दिखाया था, जिसका ग्लोबल टाइम्स ने अब विरोध किया है। ग्लोबल टाइम्स की भाषा से अब स्पष्ट होता है कि चीन की हेकड़ी निकल चुकी है और वह भारत के साथ युद्ध लड़ने के विचार को त्याग चुका है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन द्वारा भारत से अपने नागरिकों को निकाला जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके बावजूद भारत के कुछ मीडिया चैनल जानबूझकर इसे भारत लद्दाख सीमा पर बढ़ रहे विवाद से जोड़कर दिखा रहे हैं। यह बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इससे यह संदेश जा रहा है कि चीन बॉर्डर पर भारत के साथ युद्ध चाहता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बता दें कि 5 मई को पहली बार भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सैनिकों की मुठभेड़ देखने को मिली थी, जिसमें दोनों ओर के कुछ जवानों को चोटें आई थी। उसके बाद बॉर्डर पर चीन लगातार सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। हालांकि भारत भी बॉर्डर पर मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जिसके तहत चीन के मुताबिक ही भारत भी बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा रहा है। जब चीन ने बॉर्डर पर अपने हेलीकॉप्टर को भेजा था, तो भारत ने अपने फाइटर जेट्स को भेजकर चीन को कड़ा संदेश दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कह चुके हैं, चीन से कूटनीतिक माध्यमों के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस दौरान भारत सैनिक एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा हाल ही में भारत के सेनाध्यक्ष MM नरवावे ने लद्दाख का दौरा जवानों का हौसला बढ़ाया था। शायद यही कारण है कि अब चीन के लद्दाख मामले पर सुर्ख बदल गए हैं। बॉर्डर पर चीन द्वारा इस प्रकार की आक्रमणता कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2017 में जब डोकलाम क्षेत्र में भी भारत और चीन के बीच ऐसे ही कई हफ्तों तक बॉर्डर विवाद देखने को मिला था, बाद में हार मानकर चीन की सेना को पीछे हटना ही पड़ा था। अब इस बात की पूरी संभावना है कि चीन अब की बार भी ऐसा ही भारत को पीठ दिखा सकता है। इस विवाद के समय भी गौर करना आवश्यक है कि कोरोना काल में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कोविड बीमारी की घटिया मैनेजमेंट के लिए आंतरिक और बाहरी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में चीनी सेना ने बॉर्डर पर भारत के साथ दबाव को बढ़ाया है। इसी के साथ चीन ने हांगकांग में बेसिक लॉ बदलने का फैसला भी ऐसे वक्त में ही किया है, जब जिनपिंग का विचार है कि उनके इन कदमों से न सिर्फ पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना से हटकर हांगकांग और भारत बॉर्डर पर चला जाएगा, बल्कि चीन के अंदर भी जिनपिंग का विरोध कम हो जाएगा। हालांकि चीन को भारत के इतने कड़े जवाब की आशा नहीं थी। जब जब भारत ने बड़े स्तर पर चीन की चालबाजी का जवाब देने का प्लान बनाया है, तो चीनी मीडिया की भाषा भी ठंडी पड़ गई है। इससे एक बार फिर यही स्पष्ट हो गया है कि चीन शाब्दिक युद्ध लड़ने में ही माहिर है, जमीनी युद्ध लड़ने में नहीं।